अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सिंपल कीमा आलू की रेसिपी, जो बहुत टेस्टी बनता है। और ये सिंपल कीमा आलू हम बनाएंगे सेमी ग्रेवी के साथ। तो ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने 10 से 12 ली है लहसुन की कली, 2 इंच अदरक का टुकड़ा और 2 हरी मिर्च। इसे हम ग्राइंड कर लेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। तो मिक्सर जार में हम ये तीनों चीज़ें ऐड करेंगे और इसे ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए पेस्ट मैंने बना लिया है। अब हम एक कढ़ाई या पैन गरम करने रखेंगे और उसमें ऐड करेंगे 3 बड़े चम्मच तेल। और तेल को हम अच्छा गरम होने देंगे। तेल गरम होने के बाद हम इसमें कुछ गरम मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 स्टार फुल, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 4 से 5 लौंग, 7 से 8 काली मिर्च, 1/2 टीस्पून जीरा, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 तेज़पत्ते का इस्तेमाल किया है। ज़ीरा तड़कने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ी प्याज बारीक कटी हुई, और प्याज को हम गोल्डन कलर होने तक भून लेंगे। और ये देखिए प्याज जो है वो गोल्डन कलर की हो गई है। तो इतना हमें प्याज को भून लेना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कीमा। तो यहाँ पर मैंने 300 ग्राम कीमा लिया है, जिसे अच्छे से साफ़ करके वॉश कर लिया था और इसे छन्नी में रखा था ताकि इसका जो पानी है वो निकल जाए। और अब हमें कीमे को भूनना है 3 से 4 मिनट के लिए। तो हम प्याज तेल में भून लेंगे कीमे को 3 से 4 मिनट के लिए। 3 से 4 मिनट भूनने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बनाया था वो, और साथ में ऐड कर देंगे सभी पाउडर मसाले। और नमक लेंगे स्वाद अनुसार, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर और 1/4 टीस्पून लेंगे हल्दी पाउडर। सभी मसाले हम इसमें ऐड करेंगे। और अब हम इसे अच्छी तरह से भून लेंगे लगभग 1.5 से 2 मिनट के लिए, या जब तक तेल रिलीज नहीं होता तब तक हम मसाले को अच्छे से भून लेंगे। तो ये देखिए मसाले को मैं अच्छे से भून रही हूँ और हल्का हल्का तेल रिलीज होने लगा है। तो हमें पूरा तेल छूटने तक मसाले को भूनना है कीमे के साथ। और तेल अच्छे से छूटने लगा है तो अब हम इसमें ऐड करेंगे आलू। तो यहाँ पर मैंने 1 मीडियम साइज़ का आलू लिया है, जिसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। 1 हरी मिर्च ली है, जिसे मैंने 20 से कट कर लिया है, और 8 से 10 लिया है कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता इसमें ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर से हम इसे 1.5 से 1 मिनट के लिए भून लेंगे। आधे से 1 मिनट भुनने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो यहाँ पर मैं 1 गिलास पानी का इस्तेमाल करूँगी, जिसमें कीमा और आलू अच्छी तरह से गल भी जाएगा और हमारी सेमी ग्रेवी भी बनकर तैयार हो जाएगी। तो अच्छी तरह से हम इसे मिक्स करेंगे। तो ये अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। अब हम इसे 12 से 15 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने देंगे ताकि कीमा और आलू अच्छे तरह से गल जाए। तो ये ढक्कन ढक लिया है मैंने। अब हम इसे 12 से 15 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। और ये टोटल मैंने 15 मिनट तक पका लिया है और आलू और कीमा अच्छी तरह से गल गया है और ये हमारी ग्रेवी भी तैयार है। इतनी हमें ग्रेवी रखना है। आप ग्रेवी जो है वो अपने हिसाब से कम या ज़्यादा यहाँ पर रख सकते हैं। तो ये अच्छे से हमने मिक्स कर लिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून के करीब कसूरी मेथी और साथ में ऐड करेंगे थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। मिक्स कर लेंगे। और ये हमारा कीमा आलू बनकर तैयार है। तो मिक्स करने के बाद इसे मैंने 1/2 मिनट तक हाई फ्लेम पर पकने दिया था। अब हम गैस की फ्लेम बंद करेंगे और गर्मा गर्म इसे सर्व करेंगे। तो सर्व करें आप इसे चपाती के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ या फिर प्लेन राइस के साथ। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।